हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। सो गाइस, वेटनरी 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए हमारे पास कुछ अपडेट्स आ गए हैं। बात करेंगे इस पर। जैसा कि आप सभी को पता ही गाइस कि फर्स्ट राउंड का प्रोसेस ओवर हो चुका है, ऐसे में गाइस सेकंड राउंड का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमारे पास ऑफिशियली जो है लिस्ट आ गई है कि कौन कितनी सीट्स वैकेंट है किस कैटेगरी में। हम बात करेंगे यहाँ पर वैकेंट सीट हमारे पास मैट्रिक सीट मैट्रिक्स आ गई है सेकेंड राउंड के लिए। साथ ही कौन कौन से कैंडिडेट्स अब इसमें एलिजिबल होंगे और क्या आगे का शेड्यूल रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने की संभावना है सेकंड राउंड की, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही वीडियो को पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। वेटनरी के संबंधित सभी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मैं लगातार देता आ रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का नाम है @bingdoctorofficial, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, आप ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर राउंड 2 फॉर सीट अलॉटमेंट टू BBSC एंड AS प्रोग्राम अंडर VCA 15% कोटा स्टार्टेड विद इफेक्टिव फ्रॉम 31st मार्च। 31st मार्च से इसका जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कंप्लीट शेड्यूल की हम बात कर लेते हैं। सो गाइस, ये कंप्लीट शेड्यूल देख सकते हो सेकंड राउंड का। इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 31st मार्च से स्टार्ट हो चुका है, इसकी लास्ट डेट रहेगी 2nd अप्रैल। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किया था, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी ऑन है, आप लोग अब अप्लाई कर सकते हो वेटनरी की 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए। और जिन कैंडिडेट्स ने फर्स्ट राउंड में अप्लाई कर दिया था लेकिन कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तो वो भी ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में के लिए एलिजिबल है, उनको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बस आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग फिर से करनी होगी। सभी कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की फैसिलिटी जो है आपके पास स्टार्ट हो जाएगी 31st मार्च से 4th अप्रैल तक, इसकी लास्ट डेट रहेगी चॉइस फिलिंग की। जो तो आप सभी कैंडिडेट्स को जो भी फर्स्ट राउंड में जिन्होंने अप्लाई कर दिया था या सेकंड राउंड में फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, सभी को चॉइस फिलिंग करना मैंडेटरी फिर से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर रिजल्ट जो है इसका सेकंड राउंड का आ जाएगा 5th अप्रैल को, और रिपोर्टिंग रहेगी 5th से लेकर 8th अप्रैल तक। ठीक है, ये शेड्यूल था सेकंड राउंड का। अब बात करते हैं कितनी सीट्स वैकेंट है किस कैटेगरी में। सो गाइस, कैटेगरी वाइज डिटेल सीट मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है सेकंड राउंड की वेटनरी की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉलेज वाइज भी आप देख सकते हैं कौन से कॉलेज में किस कैटेगरी में कितनी सीट वैकेंट है। टोटल अगर हम बात करते हैं गाइस, 311 सीट अभी सेकंड राउंड के लिए वैकेंट है, यानी कि फर्स्ट राउंड के कंपेरिजन में फर्स्ट राउंड में 761 सीट थी और अभी तो जो है 311 सीट अभी वैकेंट है सेकंड राउंड के लिए। तो अभी काफ़ी सीट वैकेंट है, लगभग 45% के अराउंड सीट्स अभी वैकेंट है। तो आप सभी गुड न्यूज़ है कि कट ऑफ अभी और भी कम जाने की संभावना है। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कितनी सीट्स वैकेंट है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में टोटल मिलाकर। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली सीट मैट्रिक्स। इसके अलावा एक और लिस्ट जारी की है जहाँ पर जिन कैंडिडेट्स ने अपग्रेडेशन के लिए चूज़ किया है किस कॉलेज में किस कैटेगरी में अपग्रेडेशन में कितनी सीट्स हैं, यहाँ पर आप टोटल इस लिस्ट में देखेंगे। ये दोनों ही लिस्ट गाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें टोटल मिला के 262 कैंडिडेट अभी अपग्रेडेशन के लिए चूज़ किया है सेकेंड राउंड में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गाइज कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ। सो गाइस, आप में जो भी कैंडिडेट्स NEET 22 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो अनअकैडमी का भी बेस्ट ऑफर चल रहा है, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं अनअकैडमी का 3 मंथ्स का, तो आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा दिया जा रहा है अनअकैडमी के साथ, यानी टोटल 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर आपको 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ना। ठीक है, तो ये भी बेस्ट ऑफर है आप 22 के लिए जो भी स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी को पता है 17 जुलाई लास्ट डेट है, तो ये भी बेस्ट रहेगा आपके लिए 3 मंथ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अभी काफ़ी सारे क्रैश कोर्स बैचेज हैं प्लस बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं 22 एस्पायरेंट्स के लिए। तो हरी अप गाइस, ये जो ऑफर है 7th अप्रैल के लिए लास्ट है। यूज़ माई कोड बींग डॉक्टर टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ठीक है, लिंक आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा प्राइसेज जो हाइक होने वाले थे वो एक्सटेंड कर दिया गया है 4th अप्रैल तक के लिए, तो प्राइसेज हाइक होने से पहले ही आप ये सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, ऑफर ले लेंगे, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, यूजिंग माई कोड बिंग डॉक्टर यू विल गेट 10% डिस्काउंट। और इसके अलावा आपको बता दूं, अभी बेस्ट प्लान आपके लिए लेकर आया टेस्ट सीरीज का प्लान अनअकैडमी लाइट का। अगर आप 3 मंथ सबसे लेते हैं तो 4 मंथ्स का आपको मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 3 मंथ्स पर आपको 1 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है, केवल 499 रुपीज में आप ये टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत कम प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, काफ़ी अच्छी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ने टेस्ट सीरीज बनाई है, तो जरूर से लीजिएगा। यूज माई कोड बिंग डॉक्टर विल ऑल्सो गेट 10% डिस्काउंट ओवर दिस। ठीक है, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा आपको बता दूँ, नीट चैंपियंस स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है 3rd अप्रैल को 12 to 1 PM तक। ठीक है, ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, साथ ही यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल का होगा। ठीक है, इसमें भी आप एनरोल करा सकते हैं फ्री में। यूज माई कोड बिंग डॉक्टर यू कैन एनरोल फॉर फ्री। ऑल स्टार बैच फॉर NEET 22, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 4th अप्रैल से। एंड इसके अलावा अमित फिर से क्रैश कोर्स बैच 22 एस्पायरेंट्स के लिए, दोनों बैचेस 22 एस्पायरेंट्स के लिए स्टार्ट हो रहे हैं 31st मार्च से स्टार्ट हो चुका है और ये 4th अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और ऐसे ही आगे आने वाले बैचेस में भी आप एनरोल करा सकेंगे अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो। थैंक यू सो मच। सो गाइस, हमने
सो गाइस हमने देख ली कितनी सीट्स वैकेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने की संभावना सेकंड राउंड की वेटनरी काउंसलिंग की। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज अनरिजर्व की बात करें तो गाइस 520 मार्क्स रहने की संभावना है कट ऑफ। ओबीसी की बात करें तो अराउंड 500 या 501 के अराउंड रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की 510 के अराउंड रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी में 420 मार्क्स कट ऑफ रहने की संभावना है। एसटी कैटेगरी में 410 मार्क्स कट ऑफ रहने की संभावना है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ गाइस यहां पर प्लस माइनस 1 हो सकता है, लेकिन अराउंड यही कट ऑफ रहेगी सेकंड राउंड में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दी कैटेगरी वाइज, ठीक है। और सभी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आई होप वीडियो पसंद है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो नए अपडेट्स में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।